गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को नमस्कार। ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड में भाग लेने वाले कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए है। आप इस वीडियो को देखें और समझें, और जो आप परीक्षा के एक फोबिया से गुज़रते हैं उसको कम करने के लिए ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। इस बार की सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा है उसके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई 10th 12th एग्ज़ाम 2021 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे सीबीएसई कहते हैं इंग्लिश में, कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थी को इस बार दोहरा फायदा होगा। सिलेबस कम पढ़ना होगा और अगर 100% प्रश्नों के सही जवाब दे दिए तो पूरे अंक भी मिल सकते हैं। कोरोना के कारण हर विषय में 4 से 5 चैप्टर कम हो गए हैं, लेकिन परीक्षा पूरे अंकों की ली जाएगी। अगर बोर्ड की माने तो 70 अंकों के विषय में पास करने के लिए 23 अंक चाहिए। 70 नंबर्स का अगर एग्ज़ाम होगा तो आपको 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है उसमें पास करने के लिए आपको सिर्फ 26 मार्क्स लाने हैं। अब बोर्ड की माने तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहते हैं आपके 30 मार्क्स का, उसमें आपको ओनली 9 नंबर्स लाना कंपलसरी होगा। वहीं 70 मार्क्स की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें 23 मार्क्स आपको लाने होंगे। बोर्ड की माने तो ज़्यादातर विषयों के चैप्टर कम कर दिए गए हैं, इससे छात्र पर सिलेबस पूरा करने का दबाव कम रहेगा। परीक्षा में उन चैप्टरों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में पास होना आसान कर दिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन का मिलेगा फ़ायदा। आंतरिक मतलब जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं उनका आपको बेनिफिट होगा। कैसे? ऑनलाइन पढ़ाई पर ही इस बार आंतरिक मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों को सूचना दे दी गई है। 10th और 12th प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को छोड़कर उसमें 10वीं और 12वीं में 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। इंटरनल 20 मार्क्स का रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन में 6 अंक लाना जरूरी होगा, 20 में से 6 मार्क्स लाने आपने। बोर्ड ने तमाम संबंध स्कूलों को, जो भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं, 12वीं के अंक पैटर्न की सूची उपलब्ध करा दी है। जो 12th के बच्चे हैं उनको वो एक लिस्ट आ गई होगी। ज्ञात हो कि 12th में बिना प्रायोगिक वाले, बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसमें गणित आदि विषय शामिल होंगे। ऑनलाइन भेजे जाएंगे अंक, ऑनलाइन अंक भेजे जाएंगे। बोर्ड ने आंतरिक मूल्यांकन का फॉर्मेट तैयार किया है, यानी कि इंटरनल असेसमेंट का फॉर्मेट तैयार किया है। इस फॉर्मेट को जल्द ही स्कूलों को भेजा जाएगा। सभी स्कूलों को इस फॉर्मेट पर आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को भरकर भेजना है। आंतरिक मूल्यांकन में अंक कैसे भरने हैं इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी। ब्लूप्रिंट और सैंपल पेपर से ले सकते हैं जानकारी। छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड ने सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही ब्लूप्रिंट भी जारी हो चुका है। छात्र अंकों का पैटर्न इससे जान सकते हैं। सैंपल पेपर को बोर्ड वेबसाइट पर डाला गया है। इसकी मदद से छात्र परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को होगा फायदा। हर विषय में 4 से 5 चैप्टर कम हो गए हैं। अंकों का ऐसा रहेगा पैटर्न। इस पैटर्न को आप देख लीजिए, ये एक प्रिंसिपल्स पैटर्न है जिसमें आपको यहाँ से अच्छे से समझने में जानकारी हो जाएगी। कुल अंक, अगर 80 अंक वाला सब्जेक्ट होगा तो आपको पासिंग मार्क्स 26 चाहिए। अगर 70 अंक वाला विषय होगा तो आपको 23 मार्क्स चाहिए। 30 मार्क्स का होगा तो आपको 9 मार्क्स चाहिए, और 60 मार्क्स का होगा तो आपको ओनली 19 मार्क्स पासिंग मार्क्स रहेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। अगर आपका
कुल 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो पासिंग मार्क्स आपको चाहिए ओनली 9। अगर आपको 70 नंबर्स का प्रैक्टिकल होगा तो आपको 23 मार्क्स चाहिए। अगर आपको 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा तो आपको 13 मार्क्स चाहिए। अब नोट यहाँ इस बात को करना है आपने कि इंटरनल असेसमेंट में 20 में से ओनली 4 अंक पास के लिए लाना ज़रूरी है। संयम भारद्वाज जो कि परीक्षा नियंत्रक CBSE हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल लगातार बंद हैं। ऐसे में छात्रों पर परीक्षा का दबाव ना हो, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। इस बार परीक्षा पास करना आसान हो गया है। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी एक वीडियो जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि इस बार CBSE का जो पैटर्न है वो परिवर्तित है, चेंज्ड है। आप CBSE की वेबसाइट पे निरंतर विजिट करें और अच्छे अंक प्राप्त करें और बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं और बिल्कुल डरे नहीं। एक फोबिया होता है, उसको अपने मन से निकाल दें। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने जो है सिलेबस को समझ लिया होगा, उसको अच्छे से जान लिया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो नीचे रिप्लाई बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके माध्यम से आप पर जो परीक्षा का आने वाला दबाव है उसको कम करने की कोशिश की गई थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बच्चों तक भी पहुंचाएं और हमेशा पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।